तत्पुरुष समास की अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, करण तत्पुरुष समास। अभी हमने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा था, इसका दूसरा प्रकार जो है करण तत्पुरुष समास। यहाँ लिखा है ना कारक, करण कारक, तो करण तत्पुरुष समास इसका है। तो यहाँ देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ शब्दों को अलग करने में से द्वारा कारक विभक्ति आए उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ करण कारक का विभक्ति है से द्वारा, से द्वारा है ना, तो ये करण तत्पुरुष समास है। जहाँ भी आप जब विग्रह करते हो अगर से आए, द्वारा आया विभक्ति करने पे, तो आप समझ जाओगे कि वो करण तत्पुरुष समास है। जैसे कि अकाल पीड़ित, मैंने यहाँ लिखा है ना अकाल पीड़ित, तो इसका विग्रह करने पे हुआ अकाल से पीड़ित। यहाँ से आ रहा है, ये देख सकते होंगे आप लोग विभक्ति से आ रही है, यहाँ है ना से विभक्ति में, करण कारक की विभक्ति में से। और फिर दूसरा देखते हैं तुलसी कृत, विग्रह मैंने किया तो तुलसी द्वारा रचित, या तुलसी द्वारा कृत भी लिख सकते हैं, रचित इसमें ये गलत नहीं है, कृत भी लिख सकते हैं रचित भी लिख सकते हैं। तो यहाँ द्वारा, ये द्वारा आए विभक्ति, करण कारक की है ना से द्वारा, द्वारा भी है इसमें, तो द्वारा तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, द्वारा द्वारा विभक्ति ठीक। यहाँ है रोगग्रस्त, तीसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से विभक्ति आ रही है इसको अलग करने पर, तो यहाँ हमारी ये से विभक्ति जो है तो कौन सी है तत्पुरुष समास। अगर पूछा गया कि रोग से ग्रस्त में कौन सी मतलब समास है, तत्पुरुष समास दिया रहेगा लेकिन कौन सा समास है, जैसे करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, या कर्म तत्पुरुष समास है, ये पूछ सकता है। तो आप ले देखोगे जैसे रोग से ग्रस्त, यहाँ से आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाना से आ रहा है, विभक्ति अलग करने पर से है इसमें, और इसको अंडरलाइन किया भी होगा, ऐसा भी होता है अंडरलाइन किया रहेगा तो आप समझ जाना कि से आ रहा है, तो करण कारक से, तो आप इसमें समझ जाना क्या है करण तत्पुरुष समास है, से विभक्ति जब आए तो विग्रह करने पर। ऋण मुक्त, चौथा देखते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाना, ये से आया हमारे यहाँ से विभक्ति आई। और मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। काम चोर, यहाँ देखते हैं हम लोग काम चोर, काम से चोरी करने वाला, यहाँ भी हमारी से विभक्ति आई है, मन से चाहा, काम से, जो काम से चोरी करता है तो काम से चोरी करने वाला से आ रहा है इसमें। तो जहाँ भी आप देखो कि से विभक्ति आए आप तुरंत समझ जाओ कि हमारा वो करण तत्पुरुष समास है। ये नहीं कि कर्म है, सोचना नहीं है कि अगर आपने कारक की विभक्तियाँ याद कर रखी तो आपको ये पता होनी चाहिए कारक की विभक्ति जो है उसको याद करनी होगी। मान लीजिए कारक तो 8 होते हैं लेकिन आपको इसमें 6 की ही बात करनी है, 6 की, तो आप पूरा याद रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं आप समास को सिर्फ जानना चाहते हो तो आपको ये 6 विभक्ति को याद होनी चाहिए, तभी आप इसे तुरंत समझ जाओगे। आपको फिर बस सिर्फ कारक की विभक्ति को याद कर लो और फिर कभी भी आपको तत्पुरुष मतलब समास पूछे, ये तत्पुरुष समास में ये जो 6 प्रकार के कि कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे से आ गया, को आ गया, के लिए आ गया विग्रह करने पर, आप इसे तुरंत। अगर ये भी दिया हुआ है रोगग्रस्त आपको दिया है अगर, तो आप इसे पहले देखोगे रोगग्रस्त दिया है कि रोगग्रस्त में ये बताइए कि कौन सा समास इसमें, नंबर दे देगा आपको, पहला करण तत्पुरुष दे दिया, दूसरा दे दिया अपादान तत्पुरुष दे दिया, तीसरा संबंध दे दिया, और चौथा कर्म कार तत्पुरुष समास दे दिया। तो आप इसे अलग करोगे, पहले आप देखोगे कि बताया गया था कि इसे अलग किया जाता है तो इसमें कोई विभक्तियां आती है तो कौन सी विभक्ति आ रही है, तो आप इसे जब भी तो रोग को ग्रस्त ये तो विभक्ति आ नहीं सकती, रोग के लिए ग्रस्त ऐसा भी नहीं आ सकता है, रोग से पृथक मतलब अलग तो ये भी तो नहीं हो सकता है, और संबंध भी इसमें नहीं बता सकते आप रोग का के ग्रस्त ऐसा तो होता नहीं है, ये कोई सेंटेंस भी नहीं बन रहा है आपका एक सही ठीक है। तो फिर में पर आया है, अधिकरण में पर है तो रोग में ग्रस्त, रोग में तो ग्रस्त होता नहीं है ऐसा भी नहीं आप बता सकते, तो ये क्या करण रोग, फिर देखोगे आप रोग से ग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, रोगी जो है वो बीमार है ग्रस्त है उससे, तो से आया उसमें, तो आप रोग से ग्रस्त ये आपका जो होगा से आ गया, आप विग्रह किए रोग से ग्रस्त, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
तुरंत आप इसे सही मान लो, ये आपका सही हो गया। ठीक, अब मैं देखती हूँ रस भरा, एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा है रस भरा। जैसे तुलसी कृत मैंने इसलिए लिख दिया कि तुलसी उसमें द्वारा लिखे हैं, तो द्वारा आप समझो कि किसी के द्वारा रचना है, जैसे तुलसी द्वारा रचित है कोई उनकी रचना है जो रचित रचा गया है, ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित है वो तुलसी कृत, ठीक ये है। इसी तरह रस भरा, रस से भरा, यहाँ से देखिए विभक्ति आ रही है, आ रही है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि समास बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस पढ़ो ध्यान से, बस कारक की विभक्ति रखो, याद रखो, आपको तत्पुरुष सोचोगे कि तत्पुरुष बहुत बड़ा हो गया, तो छह प्रकार इसके होते हैं, आप सोच लोगे ऐसे ही, लेकिन ऐसे छह प्रकार नहीं, इसके छह प्रकार की मत सोचो, बस कारक, कारक की विभक्ति को आप अच्छे से याद कर लो, आप ये छह प्रकार यूं तुरंत समझ जाएंगे, इसमें थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं अगर अभी जब ये समास खत्म हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगी, इसका सेट बताऊंगी कि पूछूंगी आप लोगों से, आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि इसमें कौन सा समास है, हमने पूछा तो अगर मैं जैसे कि तत्पुरुष अभी करण पर आया, कर्म पढ़ा दूंगी, फिर संप्रदान, जब इसमें छह बता दूंगी तो आपसे मैं कमेंट करके पूछना लूंगी, अगर मैं आपको ऐसे समास दे दूंगी इस पर लिखा हुआ, आपको ये बताना होगा, मैं उसके पूछूंगी कि इसमें कौन सा समास है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें कर्म है करण है, तब मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ आपने ये जो तत्पुरुष समास जो इसका बड़ा परिवार था, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा है, तो आपने बहुत अच्छे से समझा और मुझे भी ये बात की बहुत खुशी होगी। ठीक है, ये हमने करण तत्पुरुष समास, इसकी दूसरी प्रकार को मैंने तत्पुरुष समास के दूसरे प्रकार को